नमस्ते दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज अपने बगान में काम करने के लिए। सुबह सुबह का वक्त है, अभी काफ़ी तेज है सूरज। नींबू का जो पेड़ है उसमें मैं थोड़ा खाद और पानी दूंगा आज, तो आपको चल के मैं बताता हूँ। पहले मैं पपीता तोड़ूंगा, उसके बाद गोबर का खाद लूंगा, उसके बाद फिर बगान में आऊँगा। मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। देख सकते हैं हमारा ये छोटा सा मछली पालन के लिए हम बनाए हैं। मछली पालन ही तो होता है ना उसको। हमें अभी इसी के अंदर जाना है, पहले हम खाद लेके आते हैं, उसके बाद इसका मैं इसमें खाद दूंगा। बहुत ही सुंदर हुआ है ये। मुझे वहाँ जाना है पपीता लेने के लिए, पपीता तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं वो है वो घर का बगल में, तो ये बंद है। मैं एक दो बड़ा बड़ा साइज देख के तोड़ूंगा, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो संभाल के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक छोटा बजे छोटा वाला ना छूट गया। ये वाला भी काफी बड़ा है, तोड़ देता हूँ। आज जो ही तोड़ूंगा, क्योंकि पक्का है ही नहीं। देखिए दो, और इसमें कुछ भी दवाई मिक्स नहीं है, खाने में मजा आएगा। ये देखिए हम लोग का नींबू का कितना सारा है। तो चिमटी लगे हुए हैं, इसको दवाई मारना पड़ेगा। ये खा देंगे इस फल को। वहां से मैं खाद लूंगा। ये पहले गाय का ग्वाला था इधर पहले, इसीलिए इधर काफी गोबर मिलता है। ये देखिए यहाँ से मैं खाद ले लेता हूँ, खन खन के देखिए कितना अच्छा खाद बना है।
अभी मैं 10-2 पेड़ जैसे ठीक ठाक करूँगा, उसको खाद दूंगा, क्योंकि मेरा इसके बाद तो अभी कुछ काम है। देखिए काफी अच्छा खाद बन गया, ये बहुत है इधर गोबर, देख लीजिए बहुत सारे गोबर है। ये चलते हैं फिर नींबू में खाद देने। आइए अब इसके अंदर चलते हैं, इसी के अंदर है मेरा। थोड़ा लूज कर देता हूँ, जाने में आ रहा मुझे। आइए आइए मैं दिखाता हूँ, ये सब नींबू का पेड़ है। कुदाल नहीं है तो जैसे साइड साइड से मैं कोड़ लेता हूँ, क्योंकि मट्टी काफी टाइट है। मल्चिंग करूंगा इसका उसके बाद। पानी तो देना ही पड़ेगा, अभी बच्चा नहीं है तो अपने हाथ से ही पानी देना पड़ेगा। तो साफ सफाई करके खाद डाल के उस पर पानी दे देता हूँ। आप देख सकते हैं सारा मेरा ये तामुल का पेड़ भी मैं लगाया हूँ यहाँ पे, और ग्रोथ ठीक है। 3 साल का पौधा है सब, जो बड़े हैं वो 4 साल हो चुका है, और जो छोटा छोटा है वो अभी 1.5 साल 2 साल का है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग तामुल लगाते हैं, तो मैं थोड़ा मल्चिंग कर देंगे खाद डालने के बाद। चुका है मेरा ये काम, थोड़ा सा
गोबर का खाद डालूंगा, मैं गोबर लेके आया था वो डाल देता हूँ उसमें। गोबर का खाद डालने से बहुत जल्दी बढ़ेगा ये। इसमें का थोड़ा रोग भी लग चुका है पेड़ में, तो मैं उसको दवाई भी मुझे छिड़कना पड़ेगा इसमें। गोबर से थोड़ा नमी बना रहता है और मैं इसमें इसके ऊपर पत्ता डाल देता हूँ, मल्चिंग कर दूंगा। उसके बाद मैं पानी डाल दूंगा, तो फिलहाल नमी जो है नमी बना रहेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने मल्चिंग कर दिया है, अब मैं इस पर पानी दूंगा वहाँ से लाके, तो अब क्या रहेगा। देख सकते हैं यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि क्रिसमस चल रहा है, तो यहाँ तो सब लोग छुट्टी हैं। और मैं दे दिया इसमें खाद और पानी, अब मैं चलता हूँ दूसरा पेड़ करके आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि